नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फोंडेंट से टेडी बियर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये मेरे पास ब्राउन फोंडेंट है। देखो, अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, उसी उसी तरीके से आपका फोंडेंट भी देखो कितना स्टिकी होने लग गया है। मतलब तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा स्टिकी हो रहा है, बरसातों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, गर्मी में फिर भी थोड़ा झेल लेते हैं। और ये हमने बना दिया। आप देखते रहना कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, साथ के साथ बता भी रहा हूँ आपको। पहले इसके पैरों के लिए एक फोंडेंट निकाला और हाथों के लिए, पैरों का और हाथों का मतलब साइज इक्वल होनी चाहिए। दोनों हाथों के जो बॉल्स बना रहे हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, और जो पैरों के लिए बना रहे हैं वो दोनों इक्वल होने चाहिए, ताकि जो आपका उसके हाथ और पैर है वो एक जैसे बने, छोटे बड़े ना बन जाए। और जो चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर ज्वाइन बटन क्लिक करना चाहते हैं और हमारे चैनल की हेल्प करना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। तो देखिए, पेट मैंने बना दिया, पैर मैंने बना दिए, हाथ आपके सामने बना रहे हैं, पानी से इसको चिपकाएंगे। हाँ, मैं ये कह रहा था, अगर ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, ज़्यादा इलास्टिसिटी आ जाती है, तो आप CMC पाउडर वगैरह मिला लें अपने फोंडेंट में। अब आगे आगे मैं दिखाता रहूँगा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी CMC डालने की तब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? ये हाथ लगा दिए, पानी से ही मैं स्टिक कर रहा हूँ इसको, और दो एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से इस पे हल्के हल्के निशान लगा देंगे, ताकि उसका एक इम्प्रेशन सा आ जाए कि ये फिंगर बना रहे हैं, बस और कुछ नहीं। सबसे ईजी वर्क लगता है मुझे फोंडेंट बनाने का, मतलब टेडी बियर, क्योंकि अब आदत हो गई है और इसमें इतनी कोई ज़्यादा झमेले का काम नहीं है बिल्कुल भी। देखो, हाथ पैर पेट सब बन गया है। आप लोगों को अगर मान लीजिए केक के ऑर्डर है टेडी बियर के, तो एक दिन प्रायर जैसे आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, तो एक दिन पहले इसको बनाएं, टेबल पे रखें। जब बरसात आएगी तो फिर AC के साथ सूखेगा, फैन चला दें, ठीक है? फैन के नीचे रखा रहेगा तो आराम से ही सूख जाएगा पूरा एक दिन में। नहीं तो आप गम पेस्ट से बना सकते हैं, अगर आपको गम पेस्ट मिल जाता है, क्योंकि गम पेस्ट काम सिर्फ मोल्डिंग के ही काम आता है। गम पेस्ट से ही बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, टॉपर्स वगैरह। फोंडेंट तो रोल करने के लिए होता है, केक को कवर करने के लिए होता है, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल होता है, उसकी क्वालिटी वही है। लेकिन अभी एक तो ईजिली मिलेगा नहीं आपको, मुझे भी नहीं मिला था, और एक मैंने एक बार ऑनलाइन चेक किया था, फोंडेंट से ऑलमोस्ट डबल प्राइस है। अगर एक ही रेट में मिल रहे होते दोनों, तो फिर ज़रूर हम यूज़ करते, लेकिन विंटर्स में तो देखो कभी प्रॉब्लम होती ही नहीं है फोंडेंट से कुछ भी। अभी ये है समर्स, इसमें प्रॉब्लम होती है, मानसून में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी तक आप सीख रहे होगे, जो मुंह बनाया ना हमने, थोड़ा सा फ्लैट है और थोड़ा सा नीचे वाले पोर्शन से ऐसा लगेगा जैसे बड़ा है, क्योंकि टेडी बियर का फेस जो होता है बड़ा होता है। ये भी स्किन कलर का फोंडेंट है, मैंने नोजल से कट किया, थोड़ा सा उसको लंबा कर लिया। ये जो फोंडेंट टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये इम्प्रेशन देता है, जैसे वो स्टिचिंग करते हैं ना, उस तरह का इम्प्रेशन देता है ये। और ये स्माइल वाला लगा देंगे, ताकि टेडी बियर के फेस पे आ जाए स्माइल, आंखों से रहेगी बड़ी नाक, ठीक है? अच्छा, गड्ढे हमने इसलिए करे थे ताकि वो जो आंख है बिल्कुल एकदम सेट दिखे फेस पे। अगर ऊपर से लगाते तो मोटी मोटी अलग से चमकती, वो बेकार लगती। अब आपकी नाक ऊपर से लगा दी है हमने टेडी बियर की। ये आपके लिए वीडियो में बना रहा था, इसलिए मुझे टोटल टाइम 11 मिनट लगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में ये बन जाता है, क्योंकि अब आदत पड़ गई है, पता है कि कितना बनाना, कैसे बनाना। एक साथ चार चार पांच पांच भी बना लेते हैं कई बार, और हमारे टेडी बियर की तो टांगी टूट गई, क्योंकि अभी हम इसको दोबारा से लगा लेते हैं। अभी हमें जो इसकी गर्दन थी वो टेढ़ी सी लग रही थी, हालांकि ये मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, बस क्योंकि जो आज जितने भी ऑर्डर थे सब पुराने डिज़ाइनों के थे, तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ लेके आते हैं नया, कुछ इंफॉर्मेटिव ही है, कुछ काम ही आएगा, ऐसा तो नहीं काम नहीं आएगा। तो इस तरीके से सपोर्ट दे के हम अपने टेडी बियर को खड़ा कर लेते हैं, और इसी तरीके से सूखता रहेगा। फिर मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने कहा कोई भी केक आ जाएगा तो यूज़ कर लेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक दिन हो गया हमने ऐसे छोड़ दिया फैन में, अब ये ड्राई हो गया, तो इसको रखना कैसे है? एयर टाइट कंटेनर में आप लोग इसे रख सकते हो, ठीक है? नीचे
टिश्यू पेपर या बटर पेपर लगाया बॉक्स में, एक दो सिलिका जेल डाल दिया आपने, सिलिका जेल आते हैं, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, उसको लगा के इसको रख के और बॉक्स को कवर कर देना और बाहर ही छोड़ देना। तो उससे क्या होगा, ड्राई तो ये रहेगा मेंटेन ठीक, लेकिन जो एक्स्ट्रा स्किन आ जाती है वो नहीं आएगी और आपका जो प्रोडक्ट है वो गंदा भी नहीं होगा ठीक। तो कान भी हमने बना लिए, बॉल टूल बोलते हैं इनको जो हाथ में है मेरे, बस आप देखते रहना। बहुत चीज़ें मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको नहीं बता रहा, इसके साथ के साथ और चीज़ें बता रहा हूँ जिस जो आपके काम आने वाली हैं ठीक है। तो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से बनाया, वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है, एक दो मिनट ही कम किया, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो जाती है फिर आप बोर हो जाते इसीलिए। तो चैनल पे जो नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, 250 वीडियो है, एक बार आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, देखिए आपको आपके लिए सब तरह की वीडियो मिल जाएंगी। इतनी वीडियो हैं कि आप लोग अगर सीखोगे तो अपना काम खुद कर सकते हो या घर के लिए बना सकते हो। तो ये रहा हमारा टेडी बियर प्यारा सा। अब अगर आपको मेल बनाना है, फीमेल बनाना है तो भी आप बना सकते हो, अभी तो ये रफ एंड टफ सा लग रहा है। बस क्या करना है, एक बो बनानी है, वो बोलते हैं हाँ वो ही बोलते हैं, तो बो बनानी है छोटी सी। आप इसको अब हम जहाँ नेक पे लगाएंगे तो ये जेंटलमैन बन जाएगा। अभी इसको और छोटी सी बना के सर के ऊपर लगा देंगे तो ये बन जाएगी जेंटल लेडी या प्रीटी लेडी वाला टेडी बियर। तो देख लेना आपको जैसा मन करे वैसा बना लेना, कई बार दो दो बनाने पड़ते हैं ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हो बहुत इजीली। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे तो और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से जिस तरह से आपकी हेल्प हो रही है, आपको भी किसी की हेल्प करनी चाहिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करनी चाहिए और लोगों तक नॉलेज पहुंचाने में हेल्प करनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपना काम वाम कर सकें ठीक है जी। ये बन गया यहाँ पे, अगर यही बो हम ऊपर लगा देते इस तरीके की कानों के बीचों बीच तो ये बन जाती प्यारी सी लेडी। तो ये रहा आपका टेडी बियर, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट में बन जाएगा। फोंडेंट से हमने बनाया है, आप इसे गम पेस्ट से भी बना सकते हो, वो काफ़ी आसान रहता है लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव मिलता है। तो देख लेना आप लोग, ज़्यादा सॉफ्ट है आपका फोंडेंट तो आप CMC भी मिला सकते हैं, CMC पाउडर ऑनलाइन मिल जाता है तो ईजिली बन जाएगा। इसके कान को थोड़ा नीचे करते हैं और चलते हैं, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहिए। थैंक यू।